हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ पे अतुल में मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की ऊर्जा ग्लोबल जिसने काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी थी पिछले एक डेढ़ साल में ऑलमोस्ट 2020 जब कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ था ये शेयर था लगभग एक रुपये के आसपास एक रुपये से भी थोड़ा सा नीचे ही था नब्बे पैसे अस्सी पैसे के आसपास और वहाँ से ये शेयर गया बत्तीस तैतीस रुपये तो बत्तीस तैतीस गुना पैसा करने के बाद अभी जो शेयर है वो सत्रह अठारह रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है बट स्टिल जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया था वो सत्रह गुना के आसपास अभी भी बैठे हुए हैं तो बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी की रिसेंट न्यूज़ कैसी है कैसे एक्सपेंशन प्लान है क्या मार्जिन हैं इनके और कंपनी में क्या कमियाँ हैं किस टाइप के इन्वेस्टर को या ट्रेडर को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए क्या सिर्फ ट्रेड करके चलना चाहिए पेनी स्टॉक की तरह है? या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट का भी प्लान बन सकता है इसके अंदर तो बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी पे निफ्टी जैसे आप देख सकते हैं फिफ्टी टू भिखाई जो है अठारह के आसपास का है आज सरह के आसपास बंद हुआ है स्टिल जो है तेरह पॉइंट अभी फिफ्टी टू से अपना नीचे है आज काफ़ी अच्छा इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिला है वन की तेजी के साथ तीन सौ ग्यारह पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है तो बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल की ऊर्जा ग्लोबल जो एक अठारह रुपये पचहत्तर पैसे के आसपास आज जो है बंद हुआ है फोर पॉइंट एट टू परसेंट नीचे पचानवे पैसे आ, आ, के आसपास नीचे है अठारह रुपये पचहत्तर पैसे तो फोर पॉइंट एट टू परसेंट लोअर सर्किट के ऊपर ये बंद हुआ है जैसे मैंने आपको बताया नीचे के लेवल से अभी देखेंगे फिफ्टी टू लो जो है पाँच रुपये दस पैसे का फिफ्टी टू हाई जो है तैतीस रुपये चालीस पैसे का यानी अगर एक साल का भी पिछले का देखें तो गुना के आसपास शेयर जो है काम करता हुआ नजर आया नीचे से ऊपर और अभी भी अगर देखें तो तीन गुना साढ़े तीन गुना के आसपास अभी भी काम कर रहा है तो बात करते हैं कंपनी करती क्या है तो कंपनी की अगर साइड पर देखेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप क्लियरली देख सकते हैं जो इनके प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स है, हैं स्कूटीज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ई रिक्शा जो लैंप्स हैं स्टडी टेबल के लैम्प हैं जो बैटरीज हैं और इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं सोलर से रिलेटेड सोलर वाटर हीटर पंप्स वगैरह बैटरीज वगैरह उस टाइप के इसके सारे प्रोडक्ट्स हैं अब बात करते हैं कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है और क्या डाटा है इनका ये पूरा डिजाइन करते हैं और अपनी ही कंसल्टेंसी इंटीग्रेशन और जो सप्लाई है वो सब कुछ ये खुद करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की तो मार्केट कैप क्या है इनकी वो नौ करोड़ के आसपास की है अगर स्टॉक का पी देखेंगे तो तो बहुत ज्यादा हाई है फोर के आसपास बुक वैल्यू देखेंगे तो थ्री है और करंट वैल्यू आपको पता है प्राइस जो अठारह के आसपास का है तो अब देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू भी छः के आसपास है यानी काफी कॉस्टली इस टाइम पर है स्टॉक की पी तो काफी कॉस्टली हाई है प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी कॉस्टली है आर ओ है वन पॉइंट आर ओई है दोनों इंप्रेसिव नहीं है डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं डेट देखेंगे तो ये काफी अच्छा है कि फोर करोड़ का ही डेट है और डेट टू इक्विटी भी पॉइंट के आसपास है काफी अच्छा है ये चीज फेस वैल्यू ऑलरेडी वन के आसपास से आ चुके हैं कोई भी शेयर इसके अंदर प्लज नहीं है ये काफी अच्छी चीज है है। इसके स्पोर्ट लेता हुआ नजर आता है यहां भी देख सकते हैं वहीं से ये जंप करता हुआ नजर आया तो आ, अगर टू हंड्रेड डीएमए कोई ब्रेक करता है तो स्टॉक काफी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है बट उससे पहले देखते हैं जो सेल्स है क्या इंप्रेसिव है कुछ इसकी तो देखेंगे दो हजार उन्नीस में जो सेल्स थी इसकी अगर बात करें मार्च दो में तो सैंतालीस करोड़ के आसपास की जो थी सेल्स थी और अभी आप देखेंगे तो सिर्फ चौबीस करोड़ के आसपास की सेल्स है तो कोई भी ग्रोथ इसके अंदर नहीं है अभी मार्च दो में देखेंगे तिरपन करोड़ की थी फिर अट्ठाईस करोड़ फिर ग्यारह करोड़ अब चौबीस करोड़ के आसपास की है तो काफी फ्लक्चुएशन भी है और कोई ग्रोथ इसके अंदर अभी तक नजर नहीं आ रही है ओपीएम परसेंटेज जो किसी भी कंपनी के लिए मेन होता है तो देखेंगे माइनस वन पॉइंट जीरो थ्री देन पॉइंट नाइन फोर थ्री पॉइंट सेवन जीरो टू पॉइंट थ्री टू और उससे पहले अगर देखेंगे तो भी आपको दिखेगा कि एक डेढ़ परसेंट के आसपास ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट 6 इसके आसपास ही और कभी भी एक तक पहुंचते हुए यह नजर नहीं आए तो आप भी देखेंगे पॉइंट टू सेवन पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव एट इसके प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट देखेंगे तो भी आपको पॉइंट थ्री वन पॉइंट टू टू पॉइंट फोर फाइव इस टाइप से नजर आएंगे और आज से बारह क्वार्टर पहले पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट थ्री वन इस टाइप तो की ग्रोथ यहां पर कुछ भी नजर नहीं आती है अगर बात करें ईयर ऑन ईयर अगर पूरे एनुअल का क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो दो हजार चौदह में जो एक सौ चौदह करोड़ के, के आसपास की सेल्स थी वो भी देखेंगे एक सौ अड़तालीस के आसपास पहुंचती हुई नजर आई है टीटीएम भी देखेंगे तो एक सौ अठारह के आसपास ही है ओपीएम परसेंटेज देखेंगे करेंगे तो जीरो परसेंट माइनस जीरो वन माइनस जीरो वन तो जब ओपीएम परसेंटेज आपके जीरो या वन के आसपास रहें तो ग्रोथ नज़र नहीं आ सकती है अनले टाइम में भी अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो माइनस वन जीरो वन टू टू इस टाइप के प्रॉफिट्स हैं तो ग्रोथ बिल्कुल भी, भी इसके अंदर नज़र नहीं आती है अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की तो 52 के आसपास का है रिजर्व्स जो है 103 से बढ़कर 111 हुए हैं बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी डेट ऑलमोस्ट जीरो ही है और बुक्स के ऊपर अगर देखें कितना कैश है इनके पास तो देखेंगे कैश बिल्कुल ही जीरो है तो देख सकते हैं कंपनी की कंडीशन जो है इसके बाद डेटर डे देखें वो भी काफ़ी मेन होते हैं कि इनका जो पैसा है जो अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेचते हैं कितने दिन में रिटर्न आता है तो आप देखेंगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपको एक सौ आठ तीन सौ बासठ पाँच सौ दो सिक्स नाइनटी सेवन एट नाइन्टी तो ये काफ़ी हायर साइड में है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो ये थर्टी वन पॉइंट नाइन सेवन है एफ की होल्डिंग आलमोस्ट uh, नील है पॉइंट जीरो सेवन डी की पॉइंट जीरो वन और पब्लिक के पास सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन फाइव के पास है जो कि काफ़ी ज़्यादा है और बाकी आप देखेंगे किसी के पास भी इतनी ज़्यादा होल्डिंग नहीं है तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव पॉइंट ही है अगर इसके बाद हम देखें जो पिछले कुछ टाइम में किस टाइप से जो डिलीवरी इसकी ली गई है किस टाइप से इसने परफॉर्मेंस दी है वो भी हम देखते हैं अगर आप बात करें प्राइस परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी मल्टीपल ये हुआ है तीन साल में लगभग 600 गुना के आसपास का 600 परसेंट के आसपास का रिटर्न है वन ईयर में 160 परसेंट के आसपास का थ्री मंथ में भी 45 परसेंट के आसपास का है वन मंथ लगभग नाइन और वन वीक में सेवन के आसपास का है अगर बात करें जो इसके वॉल्यूम्स हैं वो जरूर यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं देखेंगे मंथ का एवरेज वॉल्यूम जब फोर्टी लैक था वन वीक का फोर्टी सिक्स और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेवनी फाइव के आसपास रहा है बट टूडे सेशन में जब फोर्टी वन लैक केस पास है तो डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे क्योंकि टू ट्रेड है तो हंड्रेड ही आपको इसके अंदर दिखाई देगी इसके बाद अगर हम ऊर्जा ग्लोबल बोर्ड टू इन्वेस्ट इन एक्सपेंशन और स्टॉक आता हुआ नजर आया मार्केट ने इस को positive नहीं लिया है एक तो ये जो है बैटरी जो है ऊर्जा बैटरी लिमिटेड जो इनकी अपनी होली ऑन सब्सिडरी है उसके अंदर और अपनी जो कैपेसिटीज है शेयर्स जो है बढ़ाते हुए नजर आएंगे आप देख सकते हैं प्रपोजल टू इन्वेस्ट एंड सब्सक्राइब टू एडिशनल शेयर्स एग्रीगेटिंग टू रिपीट इन ऊर्जा ग्लोबल ऊर्जा बैटरीज लिमिटेड सेकंड जो है इन्होंने जो है बोर्ड हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ गौरव अग्रवाल और तीसरा है जो अप ऑफ असेंबली यूनिट फॉर असेंबलिंग ई एट हरियाणा तो आप देख सकते हैं सापला हरियाणा में जो ई e रिक्शा बनाते हैं ई स्कूटर्स बनाते हैं उनकी असेंबली यूनिट लगाने के लिए भी फैसला लिया गया है इसके बाद बात करते हैं कि स्टॉक चार्ट के ऊपर किस टाइप से नजर आता है चार्ट हम इसका रीड करते हैं अब यहाँ देख सकते हैं मैंने चार्ट लगा रखा है इसका ऊर्जा ग्लोबल का वनडे का चार्ट है ऊर्जा ग्लोबल का आप देख सकते हैं कि यहां पर जो स्टॉक था जिसमें आपको बताया 2020 में लगभग जो शेयर था एक रुपये पचानवे पैसे के आसपास से जो है स्टॉक काम करता हुआ नजर आ रहा था नब्बे पचानवे पैसे आप देख सकते हैं तीस मार्च दो में लगभग लग नब्बे लग पैसे का लो बनाया था और वहाँ से जो है स्टॉक पाँच रुपये तक गया अगेन जो है रिट्रेस हुआ नीचे वहाँ पर कंसोलीडेट हुआ अगेन जो है ऊपर जाता हुआ नजर आया तो ऊपर के जो लेवल थे इसने यहाँ देखिए नौ रुपये के आसपास है स्टिल नीचे आया और उसके बाद देखिए पहुँचता हुआ नजर आता है यहाँ पर थर्टी थ्री पॉइंट फोर जीरो चौदह जनवरी दो हज़ार बाईस को उसके बाद जो है ये नीचे आता है और फिर ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है अभी अठारह रुपये पचहत्तर पैसे के आसपास है सत्रह रुपये के आसपास इसने कई बार बाउंस किया है तो सरह पे के आसपास अगर ये आता है तो एक स्टॉप लॉस लगा के सत्रह रुपए के आसपास लिया जा सकता है क्योंकि ये यह यहां से अभी नीचे आता हुआ नजर आएगा अगर सत्रह रुपये को ये ब्रेक करता है तो बिल्कुल पंद्रह रुपए तक भी आ सकता है तो फंडामेंटल कुछ भी नहीं है इस कंपनी के अभी कोई ओपीएम परसेंटेज नहीं है अभी कोई सेल्स की ग्रोथ नहीं है और अभी प्रमोटर होल्डिंग वैसी नहीं है एफ आई का कोई स्टेक नहीं है कंपनी हजार करोड़ के आसपास की है बुक वैल्यू काफी ज्यादा है पी काफी ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है किसी भी टाइप के कोई भी फंडामेंटल इसके अच्छे नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी इसके अंदर नजरिया नहीं बनता है बात है इस फील्ड के अंदर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा इस टाइप की बहुत सी कंपनीज हैं तो देखना होगा किस टाइप से अपनी सेल्स को या मार्जिन को बढ़ाते हैं और जो अभी रो मटेरियल की कॉस्ट है उसके अंदर ये कैसे सरवाइव करते हैं अपने जीरो परसेंट मार्जिन के साथ में तो इन्वेस्टमेंट का तो कोई नजरिया इसके अंदर नहीं है ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म आप ट्रेड कर सकते हो सत्रह रुपये के आसपास शेयर आता है तो uh, उस पर नजर रखना अगर सत्रह रुपये कोई अभी ब्रेक कर देता है तो साढ़े चौदह और पंद्रह के बीच में कहीं सेटल होता हुआ नज़र आ सकता है कंसोलिडेट होता है एक लेवल के ऊपर जैसे पहले भी इसने काफ़ी बार कंसोलिडेट किया है तो उस टाइप से छोटी ही क्वांटिटी के अंदर आप लेके इसे ट्रेड कर सकते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कपैसिटी और रिस्क टेकिंग कपैसिटी के हिसाब से इस शेयर को लोअर लेवल के ऊपर सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइस ले सकते हैं थैंक यू धन्यवाद